आज मेरे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि बज्म के मंच पर आज मुझे द ग्रेट लेजेंड मधुरानी जी को ट्रिब्यूट करने का मौका मिला। क्या इसके बात लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। इट्स एन वो ऑनर तो फॉर मी टू डू दिस फॉर हर। शी इज द होराइजन ऑफ द हाईएस्ट हेवंस। बेशक और क्या बोला उनके बारे में, जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। सच कह रही हैं आप, और मैं समझती हूँ मेरी इतनी खुशकिस्मती है कि मुझे ये मौका मिला है कि आज की शाम हम को मधुरानी जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी गायकी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम सबका सलाम उनकी तरफ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत गायकी को कायम रखा है, इतना एब्सोल्युटली, कि आज के यंग कलाकार भी बस उन्हें सुनते हैं तो कुछ मैं सीख। उनको नमन करती हूँ क्योंकि मैं बहुत सुनती हूँ उनके संगीत में जो ठहराव है, एक-एक स्वर को बड़ी प्यार से उन्होंने जो अलंकरण करते हैं वो मैं बहुत सीखती हूँ उनको। ऐसे यूट्यूब जाके ऐसे ही सीखती हूँ। ये बातें मैंने महसूस इट्स अ ड्रीम कम ट्रू दैट आई एम संगीत के जरिए मैं सेवा करती हूँ, सेवा करनी मुझे हूँ। खुशी है कि आपको यहाँ आकर अच्छा और इतना अच्छा महसूस हो रहा है। मैं बहुत अच्छा। अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा आपके बारे में बताऊं, कुछ नए लोग भी जुड़े हैं आज। तो बर्नाली जी पूर्व बंगाल की में बहुत ज्यादा रुझान रखती हैं, दादरा ठुमरी बेहद खूबसूरत गाती हैं, और इनकी तालीम को अगर हम देखें तो इन्हें तालीम मिली है ऐसे ऐसे माइस्ट्रो से जिनका नाम लेते वक्त भी एक अजीब सी कंपन छूट जाती है। गिरिजा देवी जी, शुभा गोस्वामी, और फिर गजल की दुनिया में आते आते इन्होंने रीटा गांगुली जी के साथ भी बहुत कुछ सीखने की अपनी पूरी ताकत लगाई है, और वो नजर आता है बर्नाली जी की गायकी में। तो मैं चाहूंगी बर्नाली कि अब आप कुछ मधु जी के खजाने से अपनी पसंद की कोई चीज सुनाएं। जी, मैं कोशिश करती हूँ। जी, इंतजार है। जो मेरे साथ
क्या बात, क्या बात, वाह।